इंदौर में इस बार मौसम कुछ अलग तरह का बना हुआ है। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून की देरी से एंट्री की वजह से गर्मी और उमस ने लोगों को बेचैन कर दिया है, लेकिन इंदौर में बढ़ते तापमान से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो फिलहाल इंदौर का अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही इस बार मध्य प्रदेश में मानसून 23 जून तक पहुंचेगा। इंदौर में 22 जून से हल्की बारिश की शुरुआत हो सकती है, इसके बाद लगातार बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि बुधवार को भी गरज चमक के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अभी कुछ दिनों तक शहरवासियों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इंदौर में लगातार मौसम में हो रहे बदलाव से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापक्रम है वो 38 डिग्री के आसपास बना, और जो उमस देखने को मिली उसकी मेन वजह है कि जो न्यूनतम तापक्रम है वो कल रिकॉर्ड किया गया, वो 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, और जो आर्द्रता है वो काफ़ी बढ़ गई, उसकी वजह से काफ़ी उमस देखने को मिल रही है। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं तो 22 तारीख के बाद से लगातार हमको हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, और 25 और 26 तारीख को हो सकता है हमको एक आध जगह कहीं कहीं तेज़ बारिश और आंधी और तूफान देखने को मिल सकता है। ये असल में क्या है कि जो मध्य प्रदेश के विभिन्न संभागों में अलग अलग रेड अलर्ट किया गया, जो मानसून है वो दोनों साइड से इस बार आ रहा है, लेकिन जो हवा की रफ्तार है वो धीमे होने के कारण मानसून की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी है, लेकिन 22-23 तारीख को लगभग लगभग पूरे मध्य प्रदेश में कवर करने की संभावना है।